ओम हिंदी एकता मंच के अध्यक्ष ब्रजेश सिंह द्वारा गुड़ी पाड़वा व नववर्ष के शुभ अवसर पर हिंदू नववर्ष स्वागत व शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। जी आपको बता दें कि मुंबई के मलाड पश्चिम के मालवाड़ी में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान हजारों की संख्या में हिंदू मुस्लिम इस शोभा यात्रा में शामिल होकर हाथ में भगवा झंडा लेकर ब्रजेश सिंह के साथ कदम से कदम मिलाकर इस यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए। बता दें कि शोभा यात्रा में भाजपा सांसद गोपाल सेट्टी और कई भाजपा नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। परिसर में हमारे नेता आर्यू सिंह जी, ब्रिजेश सिंह, जीवन साहब, जाम खंडेकर, सुनील कोहली, ब्रिजेश सिंह, दिलीप पंडित, हमारे महामंत्री यूनुस भाई, ये सारे लोगों ने मिलकर 5000 लोगों का ये शोभा यात्रा निकला है। मैं मानता हूँ कि मालूम नहीं कि इतिहास में इस प्रकार का शोभा यात्रा इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े निकले हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा शोभा यात्रा आज निकला है। मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से हिंदुत्व को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का नाम हो रहा है, भारत देश में हिंदुओं का मनोबल दिन से दिन बढ़ते जा रहा है और हिंदू समाज और हिंदू विचारधारा पूरे दुनिया को साथ में लेकर चलने की मानसिकता रखती है। हम हमेशा अपने साथ साथ में औरों का भलाई का सोचते हैं और फिर सिर्फ सोचते ही नहीं तो हम काम करके भी दिखाते हैं। इसलिए मैं परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी का हौसला और बुलंद हो, दुनिया के बाजार में भारत देश का नाम हो और इस देश के जो हिंदू मानस है, हिंदू विचारधारा, हिंदुत्व यानी वे ऑफ लाइफ, यह सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया, उसमें सभी लोग आ गए और सभी लोगों को साथ में लेकर चलने की सोच और समझ परमात्मा हम सबको दे, यही मैं आज के शुभ अवसर पर भावना व्यक्त करना चाहता हूँ। ब्रिजेश जी को किस तरह से जिम्मेदारी, जिस तरह से आज केसरिया भी नजर आ रहा है पूरे मालवनी में जो हम देख पा रहे हैं, तो ब्रिजेश जी को किस तरह से और भी जिम्मेदारी देंगे कि मालवनी के जो हालात है उसे और बदला जाए? ब्रिजेश सिंह यहाँ पर बहुत दिनों से काम करते हैं, उनका जो संस्था है उस संस्था के माध्यम से भी वो अच्छे अच्छे लोक उपयोगी काम करते हैं और एक विजन है उनके पास काम करने का, लोगों को जोड़ने की क्षमता है। मैं मानता हूं कि इसको और तेजी से और रफ्तार से आगे बढ़ाना चाहिए। हम सबका ध्येय हिंदुत्व को मजबूत करना यही होना चाहिए। हिंदुत्व एक बहुत बड़ा पेड़ है, एक बहुत बड़ा वटवृक्ष है और उसमें जो फल लगेंगे वो सारे समाज को खिलाने के बाद में बचेगा तो हम भी खाएंगे, इस मानसिकता में आने वाले दिनों में हमने काम करना चाहिए। आने वाले चुनाव में मालवनी में भी कमल खिलेगा? हम चाहते हैं कि पूरे देश में कमल खिले, मालवनी में क्यों खिलना चाहिए, पूरे देश में कमल खिलना चाहिए और खिल रहा है इन दिनों में, और कमल खिलता है तो अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है। अगर कमल नहीं भी खिलता है तो काम करने से तो हमको कोई रोक नहीं सकते हैं। हिंदुत्व का विचारधारा ही ये है कि फल की अपेक्षा मत करो, काम करते रहो और काम करते रहेंगे हम। एक नया उदय है मालवनी में और मालवनी की जनता अच्छी तरह से इस गुड़ी पाड़वा के त्यौहार को मना रही है और जो उत्साह और जोश आप देख रहे हैं मालवनी में, एक नया सवेरा हो रहा है और इस सवेरे का स्वागत हो रहा है।
आज ब्रजेश सिंह के नेतृत्व में ही यह कार्यक्रम हो रहा है और उनकी संगठन क्षमता आज सड़कों पर मालवनी के दिख रही है और इसी तरह वो संगठित करते रहे तो मालवनी ही नहीं पूरा मलाड और उत्तर मुंबई का एक हिंदू संगठन बहुत अच्छी तरह से काम करेगा और उनका नेतृत्व भी निखर के आएगा। ज़रूरत तो हमेशा रहती है और जितनी कोशिश होगी उसमें और ज़्यादा वृद्धि होगी या वृद्धि होगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा है हिंदवी एकता मंच की तरफ से या जो आज का आयोजन है हिंदवी एकता मंच जो इस मालवनी परिषद में इसमें सभी हिंदू एक साथ मिलकर एक मंच बनाए हुए हैं हिंदवी एकता मंच अक्रॉस द पार्टी। इसमें जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं तो मैं उसका अध्यक्ष हूं, उस जवाबदारी मुझे दी हुई है। जो शिवसेना के विभाग प्रमुख है विकास दसपुते वो सचिव है और मनसे के है अशोक माड़ी वो खजिनदार है और आप पूरी टीम अगर आप देखेंगी तो एक हिंदू संगठन इस नाते हम लोग यहाँ पर यह यात्रा कर रहे हैं और जब हिंदू संगठन की हम बात करते हैं तो हिंदू सबको साथ लेकर चलता है। इसलिए इस यात्रा में आपको अपने मुसलमान भाई भी दिखेंगे और वो सहयोग भी कर रहे हैं। जामा मस्जिद के पास आप जाएंगी तो उसके पहले उन्होंने भी पानी वगैरह की व्यवस्था की है। तो यह बदलाव की ज़रूर एक लहर है कि सभी समाज को साथ लेकर हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं और उतना उसका प्रतिसाद मिल रहा है। ये सारा श्रेय जो है अगर आप देना चाहती हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा क्योंकि ये बदलाव की लहर एकीकरण की लहर उन्होंने शुरू की है और सबका साथ सबका विकास इस जो धोरण पर प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की उसी धोरण पर हम सभी कार्यकर्ता यह चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सब साथ मिलकर चलें और उसका प्रतिसाद भी मिल रहा है। हमें कहीं से भी कोई अपोजिशन नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। जामा मस्जिद के जो सदर हैं अजमल भाई से बात किया, जमील भाई से बात किया, जमील मर्चेंट भाई से बात किया, बल्कि यहाँ के लोकल MLA असलम शेख से भी हमने बात किया और सभी ने इसके लिए अच्छा कहा और सभी इस यात्रा में समय समय पर शामिल होंगे और अपना सहयोग भी देंगे। इसलिए मैं हिंदू समाज की तरफ से हिंदू एकता मंच की तरफ से उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी इस आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि उन्होंने बढ़कर हमारा सहयोग करने के लिए उन्होंने आगे आए और वह सहयोग कर रहे हैं।